एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो ये है मॉर्निंग का टाइम एंड मैं नहा वहा चुकी हूँ, बट अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और एक लड़की यहाँ पे ऐसे ही घूम रही है, मेरी कोम के साथ खेल रही है, हैं कर रही है बस। और चलो ये नहा के आ चुकी है, अब इसे कपड़े पहनाने हैं। क्या है क्या है, क्या बोल रही हो? ऐसे कपड़े निकाल दे। ये वाली। हाँ? ये वाली। उफ, कौन से? ये वाली। निकालो। रुको, इसका टॉप देखने दो कहाँ है। वेट, मैं किचन में आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पे पोहा निकाल दिया है। मैं और यशी पोहा खाएंगे अभी मॉर्निंग में। और यशी तो पहले ही बैठ गई है। गुड मॉर्निंग। और अब हम दोनों यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। पुआ। क्या है? पुआ। पुआ? हाँ। ओके। जो लोग मुझे फॉलो करते होंगे और जिन्हें पता होगा आफ्टर ब्रेकफास्ट में क्या करने वाली हूँ, यशी मैं क्या करती हूँ ब्रेकफास्ट के बाद? यस, कॉफी। कभी कॉफी स्किप नहीं होती है ना यशी? हाँ, कभी कभी नहीं पीती, लेकिन कल तो पिया था। और ये है मेरा आई लाइनर, जो भी ब्रू फॉर ब्रिक्स आई लाइनर। ओके, तो मैं कॉफी अपनी एंजॉय करती हूँ और आप भी एंजॉय करो। चाय, कॉफी, जो भी आपको पसंद है जरूर पिया करो बैठ के एक बार। मैं अभी बैठी हुई हूँ और मुझे, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है और मुझे बनाना है लंच और सो नहीं सकती। फिर मैडम भी है और पता नहीं क्या क्या बोलती है भाई, और सो गई तो फिर लंच टाइम पे नहीं बनेगा और टाइम पे नहीं बनेगा तो कोई टाइम पे खाएगा नहीं। और ये लड़की कर क्या रही है इतनी देर से? यशी, व्हाट इज दिस? बैग लगा रही हूँ, ऐसे लगाना है हमें अपनी चिक्स पे, अच्छा अच्छे फेस पे नहीं लगाना, बस चिक्स पे। कार्टून के साइड इफेक्ट है, दही और मट्ठा है ही नहीं, मुझे लगता है दही। चलो यशी मट्ठा लेके आते हैं नीचे से, लेट्स गो। हाँ ठीक है, चलो जल्दी फटाफट लेके आते हैं फिर बनाते हैं। नहीं आना, नहीं आना नहीं है। ओके, सो अब मैंने यहाँ पकोड़े बनाने की प्रिपरेशन कर ली है। लाइक बेसन में जितनी चीजें मिलती हैं मैंने हल्दी, नमक, कसूरी मेथी, अजवाइन, इतनी चीजें मिक्स की है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। पकौड़े का जो मैंने रेडी किया था वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अब बस इसे मुझे फ्राई करना है। तब तक देखू मैं यशी क्या कर रही है। क्या कर रही थी? मैं अपने पेड़ ढूंढ रही हूँ। कौन सा पेड़ ढूंढ रही हूँ? ये लिख रही थी। मैं आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ यशी ने कैसे लिखाया। और मैं वापस से आके जो पकौड़े का बैटर था वो ठीक से हुआ नहीं था, इसको पानी में डाल के हल्का सा डालते हैं, अगर ये चीज़ ऊपर आ जाती है तो मतलब आपकी पकौड़ी रेडी है बनने के लिए, सॉफ्ट बनेगी, अच्छी बनेगी। तो बस मैं इसे यहाँ अच्छे से फेंट रही थी और फिर रेडी हो गया था। मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड करती हूँ, मसाले इन द सेंस ये रॉ अनियन और ग्रीन चिली, गार्लिक एंड जिंजर, दैट्स इट।
फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद में पकौड़ियाँ रेडी हो रही हैं, कुछ यहाँ हो चुकी हैं, कुछ ये हो रही हैं और थोड़ा सा वह बचा हुआ है। जो मैंने पेस्ट बनाया था लहसुन अदरक प्याज मिर्ची का, वो मैं इसमें ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें हल्दी और थोड़ी सी मिर्ची ऐड करूँगी। बस लिया है जो थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था वो, और उसी से मैं कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ हमने गरम मसाला सब जैसा जो आप देख सकते हैं, और बस इसी स्टेज में मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये। अब यहाँ पर हमारी कढ़ी पक रही है, अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ बीट रूट का रायता। तो मैंने यहाँ पे मट्ठा ले लिया था इस बाउल में, और ये बीट रूट अच्छे से पील करके, और अब मैं इसे ये जो छोटा कद्दूकस है इससे मैं इसको इस तरीके से पूरा कद्दूकस कर लूँगी। और इसमें मैं बीट रूट के अलावा कुकुम्बर भी यूज़ करूँगी, तो एक कुकुम्बर और एक बीट रूट दोनों मैं इसमें मिक्स करूँगी। ये हेल्दी भी होता है, बहुत अच्छा होता है ये, और पर्सनली मुझे ये रायता पसंद है काफ़ी, तो ज़्यादा कुछ इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है, फटाफट बन भी जाता है। तो बस बीट रूट इसमें अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम टेकन है बस कद्दूकस करने में। आप चाहो तो बड़े वाले कद्दूकस से भी कर सकते हो, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल छोटा वाला ले लिया था, तो इससे थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और बस यहाँ पे बीट रूट जैसे कद्दूकस हो जाता है, इसके बाद में एक कुकुम्बर मैंने रखा हुआ है, मैं उसे यहाँ पर अच्छे से कद्दूकस करूँगी और दोनों को बहुत अच्छे से मट्ठे में मिक्स कर लूँगी। हाँ, आपके पास अगर दही है आप दही भी यूज़ कर सकते हैं, आप आपके ऑप्शनल है दही मट्ठा जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं ऐड इसमें। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी हो जाओ, टाइम लग रहा है इसमें, जबकि मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है तब ये हाल है, तब इतना टाइम लग रहा है। और पूरा हाथ मेरा रेड रेड हो चुका था। काफ़ी अच्छा होता है बीट रूट, वैसे तो खाना चाहिए, हेल्दी होता है, ब्लड आपका इंक्रीज़ करता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा होता है, आपकी हेयर के लिए अच्छा होता है, ओवरऑल पूरी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो हेल्दी भी है प्लस टेस्टी भी है, काफ़ी कम लोग इसे पसंद करते हैं खाने में, बट ऐसे अच्छा लगता है मुझे तो। और बस यहाँ पे हो चुका है, और अब मैंने उठाया कुकुम्बर, कुकुम्बर तो फटाफट हो जाएगा, यूँ हो जाता है ये देखिए बस, अरे 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 ख़त्म, 2 सेकंड में ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। कुकुम्बर ईजली है वैसे, कुकुम्बर का रायता काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा इस वीडियो का अभी यहाँ पे इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड कर। खाना वाना खा चुकी है ये चीजें आप? ओके, सो हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और अब हम बस सो जाएंगे। मैंने चोटी भी गूथ ली है, सोने के टाइम पे अक्सर मैं चोटी कर लेती हूँ। गूथ ली है मतलब चोटी कर ली है। ओके, सबको बोलो बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, पुटी अप, गुड नाइट।
बोलना। सो गाइस मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आपको करना है, आपको क्या रखना है, लाइक और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को करना है। बाय बाय मेरे पिंडरू लोग। ओके सो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। पिंडरू लोग भी हो, पिंडरू अरे कंटी भी हो, मेरे कंटी भी हो, मेरे कच्चा भी हो। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।